Unfold craft. We screen your thoughts. मैं पंजाब हाँ, हिंदुस्तान दी शान पंजाब, पंज नदियां वाला प्रदेश पंजाब, खेती च पूरे देश दा मस्तक उच्चा रखण वाला पंजाब। देश दे जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक पूरे देश दे ग्रामीण इलाकियां च घर घर विच नलके नल पहुंचाउण दा मिशन शुरू कीता है। ए जल जीवन मिशन बदलदे भारत दी नवी पछाण है। मैनू खुशी है कि मेरे पंजाब च डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की बदौलत जल जीवन मिशन विच एक नवा रिकॉर्ड रचण जा रहा है। पंजाब अपने हर पिंड दे हर घर तक नल पहुंचाउण दे मिशन नू मार्च 2022 तक पूरा करन ते जुटिया है। मैं वधाई देनी चाहुंदा हाँ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट दे हर छोटे वड्डे कर्मचारी नू, जिन्हां दी बदौलत यह महत्वकांक्षी योजना अपना आकार ले रही है। कहिंदे हन महान काम ऐसे तरह नहीं हो जांदे, उस च लगे हर शख्स की भूमिका हुंदी है। इस वड्डे मिशन विच जिस तरह सब जी जान नाल जुटे हन, वह काबिले तारीफ है। पंजाब सरकार एपसोस के माध्यम तो 10,000 पिंडां विच विलेज एक्शन प्लान के जरिए नल तो जल दी योजना का खाका तैयार कर रही है। इस तो बाद रहणगे दारोमदार तुहाडे सारयां दे मोढ़ियां ते। सब तो वड्डी भूमिका तुहाडे लोकां दी ही हो जांदी है, क्योंकि इस पूरी योजना नूं फलीभूत करन दा जिम्मा आप सब दा ही है। इत्थे क्योंकि असीं मार्च 2022 तक कमिशन नूं पूरा कर एक मिसाल कायम करना चाहुंदे हां, ते जिम्मेवारी होर वी वध जांदी है कम समय ते पूरा होवे। इस तों पहलां वी पंजाब दे सारे पिंडां विच VAP दी प्रक्रिया नूं सुचारू रूप तो पूरा करने च आप जी दी ही वड्डी भूमिका है। चलो, ग्राम विकास योजना दा जिक्र आया ही है, तां एक वार उस दे फॉर्मेट ते भी नज़र पा लेंदे हां। वैसे तां तुहानूं पता ही है, फिर भी एक वार क्विक चेक विच की हर्ज है। पहले कोलम विच VAP तैयारी दी मिति, ग्राम सभा विच प्रवानगी दी मिति, DWSM नू पेश करन दी मिति। दूजे कालम विच पिंड, ग्राम पंचायत, ब्लाक, जिला, राज, पिंड जनगणना कोड। तीजे कालम विच JJM दे दिशा निर्देशां अनुसार ग्राम पंचायत दा पता म्यारी फार्मेट दी कापी विच। चौथे कालम विच GPWSC अते इस दे चेयरमैन अते मैंबरां दे वेरवे, नाम, लिंग, उमर समेत। पंजवें कॉलम विच आम जानकारी है, साल 2011 दी जनगणना दे अनुसार, जिदे विच आबादी, घरां दी गिणती, औरतां दी गिणती, आदमियां दी गिणती, बच्चियां दी गिणती अते FHTC दी गिणती भी शामिल है। छेवें कॉलम विच आबादी दा अनुमान है। सत्तवें कॉलम विच पशुआं दी मौजूदा आबादी। अठवें कॉलम विच खेतीबाड़ी दी फसल दा पैटर्न, जिदे विच गन्ना, मक्की, कपाह, कणक, छोले, चावल, झोना, ये सब शामिल हन। नौवें कॉलम विच जिले च औसत मीह मिलीमीटर विच। नंबर 10 ते है पिंड दा करातल, मैदानी जां पहाड़ी खेतर, जल परे अते अंतरराष्ट्रीय सरहद, बेट खेतर। स्थिति विश्लेषण 11 नंबर ते है कि सरोत मैपिंग कीती गई है, हाँ जा नहीं। 12वें विच कि सोशल मैपिंग कीती गई है, हाँ जा नहीं। 13 नंबर ते जनतक संस्थान जिवें कि स्कूल, आंगनवाड़ी, सेहत केंद्र, GP बिल्डिंग होरां नूं FHTC वर्खा दे पानी दे प्रबंध लई बुनियादी ढांचा, सोखण वाले टोए आदि दी उपलब्धता लई वेरवा। 14 नंबर ते पानी दी मौजूदा लोड़ नूं दसना है, जिदे विच पशुआं लई मौजूदा लोड़, लोड़ींदे पशुआं दी गिणती भी शामिल है, 15 सालां बाद दी जरूरत भी अते 30 सालां बाद भी की जरूरत होएगी इह भी शामिल है। नंबर 15 ते है पानी दी सप्लाई, पिंड विच उपलब्धता, सोका, काट, चक्रवात, हड़ जां होर कोई कुदरती आपदा दा इतिहास, पानी दी उपलब्धता दा आम रुझान।
16वें नंबर ते है एमरजेंसी प्रबंधन दा इतिहास जिवें टैंकियां राही पानी दी सप्लाई आदि। 17वें नंबर ते पानी दी सप्लाई स्रोत नूं मजबूत करन नाल जुड़े हिस्से दे काम दा इतिहास। 18वें नंबर ते पानी नाल होण वाली बीमारी दा इतिहास। 19 नंबर ते FTKS जां वायल्स दी वरतों करदियां कम्युनिटी नाल पानी दी गुणवत्ता दी निगरानी लई तरीका। 20 नंबर ते सैनेटरी जांच लई तरीकां दी पछाण। 21 नंबर ते जल सप्लाई स्कीम विच वरते जाण वाले मौजूदा जां प्रस्तावित पीण वाले पानी दे स्रोतां दी पानी दी स्थिति। 22 नंबर ते धोण जां नहाउण वाले ब्लाक। 23 नंबर ते धरती हेठले पानी दे स्रोत दे मामले विच की इत्थे बोरवेल रिचार्ज बुनियादी ढांचा है हां जां नहीं। 24 नंबर ते पिंड दे मौजूद जल घरां दी सूची जिस नूं मुड़ सुरजीत जां संभालण दी जरूरत है। 25 नंबर ते किन्ने के LD सलेटी पानी पैदा हुंदा है व्यक्तिगत सोखण वाले टोए वाले परिवारां दी गिणती भाईचारे दी गिणती जिन्हां नूं भिज्जे होए टोए चाहीदे हन कि इत्थे कूड़ा करकट स्थिर करन वाले तणा दी जरूरत है हां जां नहीं। 26 नंबर ते श्रेणी जिस दे तहत FHTC प्रदान कीती जाएगी। 27 नंबर ते जमीन दी पछाण दे नाल प्रस्तावित जल सप्लाई स्कीमां दा वेरवा लागत शेयरिंग पैटर्न OADM खर्चे। 28 नंबर ते कई होर भारत सरकार दीआं स्कीमां जिवें कि FFC MBM SBMG मनरेगा MPLD आदि नाल प्रस्तावित कन्वर्जेंस। 29 नंबर ते VAP दी तैयारी करन वाले होर गुण। 30 नंबर ते जे लोड़ींदा होवे तां प्रस्तावित वाधा नाल पिंड विच पानी दी सप्लाई लई मौजूदा बुनियादी ढांचा दा इतिहास। 31 नंबर ते जिहड़ा कॉलम है ओह इह कहिंदा है कि कृपा करके अपने पिंड विच जल सप्लाई स्कीमां जां बुनियादी ढांचा बारे तुहाडे कोई सुझाव जां नवीनता सांझे करो। इस दे बाद सब तों जरूरी ते आखरी हिस्सा जिथे अंत विच होने ने निर्देशक दे हस्ताक्षर DWSS विभाग दे अधिकारी दे हस्ताक्षर अते ISA प्रतिनिधि दे हस्ताक्षर। जेकर ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स मौजूद होण तां उन्हां दे हस्ताक्षर। सब तों आखरी च इस पूरी कार्य योजना दे नाल संबंधित खास लोकां दे नाम अते फोन नंबर। पानी दी गुणवत्ता दी चौकसी सुनिश्चित करन वालियां 5 महिलावां दे नाम अते फोन नंबर ते आखरी हिस्से विच पानी सप्लाई विच जुटे पंप ऑपरेटर दे नाम अते फोन नंबर। तां एसी VAP दा पूरा फॉर्मेट इस तों आप जी सारे चंगी तरह जाणू हो। ग्राम पंचायत दे सहयोग नाल असीं इस नूं बनाउणा है। अप्रूवल दा प्रोसेस पूरा करना है ताकि मार्च 2022 तक ए मिशन पूरा हो सके। चलो हुण जरा ए भी समझ लेंदे हां कि पूरे मिशन विच किस दा की रोल होवेगा, की जिम्मेदारियां होणगियां। इस पूरे प्रोसेस विच वैसे तां हर व्यक्ति दी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, पर तुहाडी सब दी तां हर मोर्चे ते बहुती भूमिका है। इस करके इत्थे इक वार रेखांकित करना जरूरी है कि तैयारी मजबूत होवेगी तां काम आसानी नाल होवेगा। तैयारी ते भी जरा जिही गल कर लैंदे हां। तैयारियां नूं असीं 3 हिस्सियां च वंड सकदे हां। नंबर 1, मीटिंग तों पहलां दी तैयारी। इस विच डाटा दी चैकलिस्ट तैयार होवे। किस किस पिंड जाना है, किसने जाना है, पिंड वालियां कोल सारी सूचना पहुंचे कि तुसी कदों आ रहे हो, मुनादी करवाई जावे कि प्रचार कीता जावे, सरपंच नाल पहले ही गल करके रखण। नंबर 2, मीटिंग दी तैयारी। जिस दिन पिंड च मीटिंग मुकर्रर होई है उस दी तैयारी पूरी रखण। किन्नी देर चलेगी, की गल करनी होवेगी, की दस्तावेज होणगे, मीटिंग दे परिणाम की होणगे, सब दी तैयारी जरूरी है। नंबर 3, मीटिंग तो बाद दी तैयारी। मीटिंग दे बाद भी सारे दस्तावेजां नूं क्रॉस चैक करना जरूरी है। हस्ताक्षर होए के नहीं, सारे संबंधित लोकां दे नंबर शुमार होए के नहीं, कोई आंकड़ा रहते नहीं गया, एक बार डबल चैक करना जरूरी है। पिंड तो कलेक्ट कीता होया डाटा डिजिटाइजेशन दे ले जाऊगा, जिथे इफसोस टीम इस दा डिजिटाइजेशन करेगी।
ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 10,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੋ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਮਦਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਰਮਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ VAP ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੋਕਿਊ ਫਿਲਮ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।